भाई यार और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। दोस्तों आप और अन्य एक ऑफिस ऑफिस सीरियल सुनी हुई है। ऑफिस ऑफिस सीरियल कछु साल पहले आउट, तो अब की जवान पीढ़ी ने शायद ना देखे हो, लेकिन चर्चा जरूर सुनी हुई है और पुरानी पीढ़ी ने तो निश्चित तौर पे जो सीरियल देखी हुई है। इस सीरियल में एक किरदार है मुसद्दी लाल। दरअसल मुसद्दी लाल सरकारी सिस्टम से परेशान हो और तमाम सारे कामों के लाने ऊखो ऑफिस ऑफिस दौड़ा हो जाता। यानी जब वो एक ऑफिस में जा तो ऊ में भी जो बाबू, फिर अगलो बाबू, फिर अगली मैडम, और यही चक्कर में वो पूरे के पूरो सिस्टम से बहुत परेशान हो। और कछु जो ही हाल हो गया है मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और महाराज इन दिनों मुसद्दी लाल बने घूम रहे। अब आप सोचोगे जब मुसद्दी लाल और महाराज में क्या समानता है। सो भैया समानता जा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनवा चुके, लेकिन अब जिन सब मुद्दों को लेकर उनने सरकार बनवाई, बे मुद्दा अब मुश्किल 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 बन के उनको टेंशन देने लगे। हालत जा है कि पिछले लगभग एक महीना सवा महीना के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार भोपाल आ चुके, 4 बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी, लेकिन अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नई चीजें चाह रहे तो दूर की बात है, जो पुरानी चीजें हती वे भी बचावे में नाकामयाब हो रहे। सबसे बड़ा मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंख और कान, या फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यानी दाएं हाथ बाएं हाथ के बारे गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट के मंत्री बनने को। गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास व्यक्ति, और वे लोग जो कमलनाथ की सरकार में भी ताकतवर रहते, और जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी सिंधिया के लोगों के सहयोग से, सो ताकतवर मंत्रालयों के संगे भाजपा की सरकार में भी रहे। लेकिन समय को फिर जो देखो गुरु, के जब चुनाव होने थे उनके कछु दिना पहले मंत्री बने इनको 6 महीना हो गए थे, सो इनको इस्तीफा देने पड़े। और 10-12 दिना को जो समय है तो वो अब इतना भारी पड़ रहा कि चुनाव जीतने के बाद अब तक 1.5 महीना से ज्यादा हो चुके, लेकिन गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री नहीं बनाओ जा रहा हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात को लेकर बेहद परेशान है। काहे के भी 19 नवंबर, 30 नवंबर, 11 दिसंबर और 26 दिसंबर को भोपाल आ चुके, लेकिन बेर बेर केवल चक्कर से खा रहे। पहले कहूँ संगठन से मिलत, कहूँ शिवराज जी से मिलत, या फिर अलग अलग तरीके से जो मीटिंगें हो रही उन मीटिंगों में पूरी बात हो रही हुई है, निश्चित तौर पे हो रही हुई है, लेकिन परिणाम नहीं निकल रहा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट के मंत्री नहीं बनबे को। दूसरा मुद्दा है इमरती देवी को राजनीतिक पुनर्वास, और इसके अलावा गिरिराज दंडोतिया और ऐंदल सिंह कंसाना, ये 3 लोग भी सिंधिया के समर्थन में भाजपा में आए और चुनाव हार गए विधानसभा को उपचुनाव। तो इमरती देवी तो अभी तक मंत्री बनी है, 2-4 दिन की और है, काहे के उनको 6 महीना को कार्यकाल जैसे पूरा हुई है सुबह मंत्री पद से हट जाए। बाकी 2 ही लोगन को भी अगर जोड़ लो जाए तो 3 ही लोगन को राजनीतिक पुनर्वास भी होने। लेकिन सिंधिया जी भाजपा में मुसद्दी लाल बन गए हैं, काय के भी तमाम तरीके से जमावट की कोशिश कर रहे, सबसे मिल रहे, लेकिन नतीजा कछु नहीं निकल रहा। और यही वजह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल लगातार चल रही है। और तीसरी बड़ी बात के संगठन को विस्तार होने हैं, विष्णुदास शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टीम बनने, उनमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनके कछु समर्थकों को जगह मिलवे। कुल मिला के लगातार प्रयास सिंधिया के हो रहे, लेकिन अभी तक सफलता को नहीं मिल रही। और कई जा रही कि भाजपा में जा रीति नीतियों सिद्धांत है कि अगर कछु देने भी आओ तो आदमी को इस तरीके से दो को एहसास हो गए कि कछु मिले है, लेकिन महाराज के तौर पे चर्चित ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक जलवे से चीजें लेता है कांग्रेस में, लेकिन अब भाजपा में अगर उन्हें कछु मिलने भी है तो मुश्किल से मिले। और इन्हीं सब के बीच उनके अपने केंद्रीय मंत्री के पद की जो उम्मीदें हैं उनको तोबे कछु अतो ही पतो नहीं है। लेकिन अब आप सोचो कि इन पूरे के पूरे मुद्दा में कहां
ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर पेच फंसे हैं। दरअसल पेच फंसे हैं सिंधिया समर्थक कछु मंत्रियों के विभागों को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी को संगठन चाहू थे कि बड़े विभाग उनके पास रहें, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक है भले ही वे भाजपाई हुए तो उनों तक हल्के विभाग दे दे जाए। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की हलचल की खबर काय आ रही कि कछु विभाग भारतीय जनता पार्टी को जो मेन संगठन है, मुख्य संगठन है, वो अपने विधायकों को चारों और जा बात अगर आपको समझने हैं तो आपको जाने पड़े 6 महीना पहले। और 6 महीना पहले की कहानी यह है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से 22 विधायक आए और सरकार बनी भाजपा की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंत्री बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पद उनको दिलवाए। और उस टाइम कई सारे मुद्दों पे जब सिंधिया अड़े सो वो अड़बे की कहानी 6 महीना बाद अब उन्हें गिलाने भारी पड़ रही। और भाजपा को संगठन या फिर जाते हैं कि सरकार में भाजपा के वे लोग जो मूल संगठन से जुड़े हैं वे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो एहसास करावो चाह रहे कि गुरु समय समय की बात है, तब तुम अड़े थे अब हम अड़े हैं, तब हमारी अटकी थी अब तुम्हारी अटकी है। उतर एक और बड़ो घटनाक्रम भो जब कोर ग्रुप की बैठक भाई कितने सीहोर में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन पहले। इस बैठक में चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोर ग्रुप में है नैया, इसके बाद भी चूंकि सीहोर में हते सुबह कोर ग्रुप की बैठक में शामिल भए, और जब उनके कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी से सवाल करेगा सो उनने जा कही कि कोर ग्रुप तो असम मैदान है के ऊको कोनू वजूद ही नहीं है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक में बैठवे को लेकर भी इस तरह की बयानबाजी है। इसे साफ समझ लो कि कछु ना कछु कहानी पक रही है जी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति है भाजपा में बा है तो अच्छी लेकिन पूरी तरीके से आरामदायक नहीं दिखाई दे रही। और ये पूरी कहानी में एक छोटी सी बात अगर आप समझ जाओ तो हो जाए कि ब्याह के टाइम जो जीजा को महत्व तो मिलत है 2-4-5 साल बाद जब वे फूफा बन जात तो महत्व तो कम हो जात, तो सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में जीजा बन के आए और अब फूफा बन के जैसे तैसे गुजारो करने पड़े, जी में मान सम्मान मिले लेकिन वो मान सम्मान की अपनी क्षमताएं हुई है। राम राम। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।